आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पेड न्यूज पर रखे नजर, कलेक्टर ने ली एमसीएमसी समिति की बैठक। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने आज 2 नवंबर को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज के मामलों पर नजर रखने वाली जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और मीडिया अनुवेक्षण समिति एमसीएमसी की बैठक ली। कलेक्टर श्री शर्मा ने समिति के सदस्यों, एमसीएमसी प्रकोष्ठ में पदस्थ अधिकारियों को पेड न्यूज की परिभाषा, उसके दायरे में आने वाले समाचारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रत्याशी की अत्यधिक प्रशंसा या आलोचना का प्रकाशन पेड न्यूज माना जाएगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने स्पष्ट किया, समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार के भुगतान पर समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करना पेड न्यूज की श्रेणी माना जाएगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम, टेलीविजन, न्यूज चैनल्स, एफएम रेडियो, केबल टीवी नेटवर्क, सोशल मीडिया, सेलुलर सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रचार सामग्री के प्रसारण के लिए राज्य या जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। बैठक में स्पष्ट किया गया कि समाचार पत्रों में राजनीतिक दलों के प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए किसी भी प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मतदान और मतदान के एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सतत नजर रखने के निर्देश बैठक में दिए तथा पैड न्यूज और बिना पूर्व प्रमाणन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों के मामले पर नियमानुसार कार्रवाई करने की हिदायत एमसीएमसी समिति के सदस्यों और अधिकारियों को दी। बैठक में समिति के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्री आशुतोष पुरोहित द्वारा पैड न्यूज की निगरानी, मीडिया के संबंध में सुझाव भी दिए गए। बैठक में एमसीएमसी समिति की नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी घामड़, एमसीएमसी समिति के सदस्य सचिव जनसंपर्क अधिकारी अनिल कुमार पटले और श्री ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।